नमस्कार साथियों, मैं राम खिलाड़ी मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। और आज का जो वीडियो है वो एक डेयरी फार्म का होने वाला है। तो साथियों, जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे पशु सर के बंधे हुए हैं और ये डेयरी फार्म में कम से कम उन्होंने 250 से 300 पशु अपने खूंटे पर बांध रखे हैं और काफ़ी सफल तरीके से उन्होंने ये डेयरी फार्म चला रखा है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि डेयरी फार्म, जो कि कई डेयरी फार्म खोलते हैं लेकिन उनका डेयरी फार्म बंद हो जाता है, तो बंद होने का कारण क्या है, क्यों लोग उसमें घाटे में चले जाते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है डेयरी फार्म को सफल बनाने के लिए। तो सर से हम आज पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह के पशु रखने चाहिए, कौन सी इनको फीड देनी चाहिए, किस तरह का चारा इनको डालना चाहिए जिससे कि पशु अच्छा दूध निकालें और डेयरी फार्म में अच्छा सा अच्छा मुनाफा लोग कमा सकें। तो आइए सर से जानकारी लेते हैं। हाँ तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम प्रसादी लाल मीणा श्रीमा, गांव श्रीमा है और तहसील लालसोट दौसा, जिला दौसा। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके पास अभी कितने पशु मौजूद हैं? 25 गाय है सर। अच्छा। और 200 के लगभग भैंस पाड़िया जो भी है, जो सारे टोटल 250 के समथिंग है। उनमें छोटे कटड़े भी हैं? हाँ, छोटे बड़े सब। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने डेयरी फार्म कितने दिनों से कर रखा है? सर इसको हो गए करीब 2013 को खोल 2013 में चालू किया था सर। मतलब 2013 से आप डेयरी फार्म करते आ रहे हैं? हाँ जी। तो सर शुरुआत आपने कितने पशु से की थी? शुरुआत में सर मेरे पास 10 भैंस थी। अच्छा। और एक गाय थी जी। उसके बाद धीरे 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 जैसे सही लगा मेरे को ये, तो उस हिसाब से मैंने इसको और बढ़ाया कारोबार को जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अधिकतर डेयरी फार्म जो कि हम देखते हैं थोड़े दिन चलते हैं और उसके बाद उनको घाटा हो जाता है और वो डेयरी फार्म बंद कर देते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों डेयरी फार्म में घाटा लग जाता है लोगों को? इसमें क्या है सर, जैसे बीमारी भी आ जाती है जानवरों में जी, टाइम पे जैसे वैक्सीन करवाते हैं जी, डिवॉर्मिंग करवानी पड़ती है जी, और सबसे बड़ा कारण है इसमें घर का आदमी जरूरी है एक। अच्छा। लेबर के अधिकतर क्या है, लेबर के हिसाब से चलाते हैं कारोबार को, तो लेबर से ये काम नहीं चलता है, उसमें घर का आदमी नहीं रहता है, देखभाल के लिए हमेशा जरूरी है कि एक आदमी घर का होना चाहिए जी सर, और लेबर के हिसाब से ये नहीं चलेगा सर। इसमें क्या है, घर का जरूरी है रहना, एक आदमी जरूरी है, जैसे इनका टाइम पे वैक्सीन करवाना जरूरी है, डिवॉर्मिंग जरूरी है, 3 महीने के हिसाब से डिवॉर्मिंग होती है इनकी जी, वैक्सीन होती है जी, अगर उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें फिर घाटा ही जाता है सर जी। तो मतलब देख रेख के लिए एक आदमी का होना जरूरी है? जरूरी है सर। जी सर। तो अभी मैं जैसे कि आपने बताया कि आपके पास 25 गाय है, करीब 200 के करीब भैंस है, तो आपने लेबर कितनी लगा रखी है सर इसमें? अभी मेरे पास 5 लेबर है। अच्छा। तो 5 आदमी इन्हीं का काम करते हैं पशुओं का? हाँ जी। अच्छा। तो सर आपके पास अगर बात करें दूध की, तो कितने दूध से चालू होकर के कितने दूध तक के पशु आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास 5 लीटर से 16-17 लीटर तक के हैं। अच्छा। गाय की बात करें तो गाय 20 से 25 लीटर तक। गाय 20 से 25 लीटर तक की है और भैंस में 5 लीटर से 15-16 लीटर तक की भैंस आपके पास मौजूद है। तो सर जैसा कि कोई दर्शक देख करके आपसे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे, तो आप क्या सेल परचेज का काम भी करते हो? जी करते हैं सर। अच्छा। तो अगर कोई साथी वीडियो देख करके अगर पशु खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन पशु ना खरीदें, मेरा कहना तो यही है। जिस भाई को भी अगर पशु खरीदना हो तो सर के पास आएं, देखें, दूध निकालें और पूरी तरह संतुष्ट होकर के ही पशु खरीदें, वैसे ऑनलाइन के झंझट में बिल्कुल ना फंसें, जमाने में ऑनलाइन का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। तो सर के पास आएँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये साहिवाल है जो फर्स्ट टाइम भी आई है जी, अभी ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है और अभी भी एक टाइम दूध दे रही है, ये 5 से 6 लीटर करीब जी। इसने स्टार्टिंग में दूध दिया है हमको 16 लीटर के करीब जी, और ये होलिस्टन है ये वाली, ये होलिस्टन है सर जी, ये 2 बार हो चुकी है इसकी डिलीवरी सर, और ये इसके नीचे दूध है 20 लीटर जी, अभी के टाइम पे ये
14-15 लीटर दूध दे रही है और 4 महीने की प्रेग्नेंट है सर जी। इसके नीचे दूध है सर 20 लीटर अभी के टाइम पे जी। 3 महीने की प्रेग्नेंट है ये जी। इसने स्टार्टिंग में दूध दिया है 24-25 लीटर के करीब जी। और उधर गिर है सर, उधर दिखाता हूँ आपको, ये गिर गाय है सर जी, गिर नस्ल की जी सर। ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। और इसके नीचे दूध है 16-17 लीटर दूध है करीब इसके नीचे। अच्छा। और तीन टाइम की ब्याई हुई है सर ये। अच्छा। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं महीने के बारे में, तो एक महीने का शुद्ध मुनाफा कितने का हो जाता है आपके? सर आप मान लीजिए तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए। अच्छा। कभी कभी जैसे दूध कम होता है तो 3-3.5 लाख रुपए मान लो आप। तो 3-3.5 लाख रुपए का मुनाफा आपको हर महीने हो जाता है? हाँ जी जी सर। तो सर एक बात और जानना चाहता हूँ उन डेयरी फार्मर भाइयों के लिए जिनको कि डेयरी फार्म में हमेशा घाटा होता रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है जो हमारे साथियों को जरूर बताएं। सर वो मुख्य कारण ये है कि ध्यान नहीं देते हैं, लेबर के हिसाब से छोड़ देते हैं, लेबर के ऊपर कई जैसे पैसे वाले लोग होते हैं जी जो खोल लेते हैं डेयरियां, तो खोल लेते हैं लेकिन वो लेबर के हिसाब से चलाना चाहते हैं लेकिन लेबर के हिसाब से नहीं चलती है सर जी। सर इसमें एक खुद आदमी होना चाहिए खुद का घर का। अच्छा। हाँ देख रेख के लिए। अच्छा। तो अगर डेयरी फार्म कोई भाई चलाना चाहता हो तो खुद का एक आदमी जरूर होना चाहिए उनको संभालने वाला, उनकी देख रेख करने के वाला, जिससे कि उनको पूरा पता रहे कि जो वर्कर हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ लापरवाही की हुई है, इसलिए आपके डेयरी फार्म को घाटा जरूर हो सकता है। तो इस बात पे पूरा ध्यान दें। तो जैसा कि साथियों सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपने पशुओं को भी दिखाया और एक एक के बारे में अच्छी जानकारी भी दी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर आज बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।